करेंगे नहीं हो रहा अभी अभी नहीं हो रहा हाँ वही जय इन साथियों गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अन्यडमी पर और आज हम एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके जस्ट बाद हम स्टेट के स्कीम्स और कोरोना के दौरान लॉन्च किए गए ऐप्स को भी रीड करेंगे चलो डिमोनिटाइजेशन के टाइम आरबीआई गवर्नर कौन था चले तो आपको याद है डिमोनिटाइजेशन कब हुआ था आठ नवंबर 2016 की रात को आठ बजे मेरे प्यारे देशवासी हो मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो अगले कई सालों तक तुम भूल नहीं पाओगी रात को 12 बजे से पाँच सौ एक हजार के नोट चलन में नहीं रहेंगे है लीगल टेंडर मनी नहीं रहेगी तो दैट वाज़ द उर्जित पटेल है देश के विकास के लिए लोग मर नहीं सकते चले फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के पिता अम्बेडकर वाई बिकॉज ही वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे प्रारूप समिति क्या होती है तो हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सभी संसदीय समिति की माता सभी संसदीय समिति की माता के नाम से जाना जाता है कुल कितने मेंबर थे सात मेंबर थे चले गांधी जी आज प्रेसिडेंट ऑफ 1924 नहीं yes, 24 बिलगाम हरिपुरा निकम में कहाँ से आ जा रहा है बेलगाम 1924 एक ही बार हाँ गांधी जी थे हाँ फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज डब्ल्यू सी बनर्जी फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन मुंबई सेवेंटी टू लोग है ना ये ओम एम सेक्रेटरी है महात्मा गांधी का हो गया फर्स्ट वोमेन एनी बेसेंट इन नाइनटीन सेवेंटीन कहाँ कोलकाता द फर्स्ट इंडियन वोमेन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव सोरेन नायडू इन कानपुर द फर्स्ट इंग्लिश बिकम प्रेसिडेंट ऑफ जार्जियल अलाहाबाद मुस्लिम बदुलद्दीन तैयब जी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जे पी कृपलानी सबसे अधिक टाइम रहने वाला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सबसे कम एज में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ना तीन दोनों क्वेश्चन के जवाब वही है छः साल लगातार रह थे उन्नीस सौ लेकर पैंतालीस तक क्योंकि हुई नहीं थी देख लो इसका मतलब है कि ये टॉपिक छेड़ा है तो आगे के पेपर में रहेगा यहाँ से ये इनका एक ट्रेंड है तो हमने जितनी बातें कहीं आपको दिखा दिया है अलाहाबाद में जारजूल उल अबुद्दीन तैयब जी मद्रास में बाकी हमने बता ही दिया 1907 में जब दे बटा था कांग्रेस रास बिहारी बोस कल वाले का आंसर शायद कल गलत दिया था उन्होंने अंबिका चरण मजुमदार जब कांग्रेस मिली थी गांधी जी शामिल हुए थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था जिसको लखनऊ पैक के नाम से जानते हैं बेसेंट anyway, हमने बता ही दिया कोलकाता सुन कानपुर पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू लाहौर और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जे पी कृपलानी और आज़ादी के बाद पहला जो सेशन हुआ है जयपुर में हुआ है पट्टाभी ये सब क्वेश्चन आता है पट्टाभी सीतारामैया कौन है तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हिस्टोरियन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हिस्ट्री लिखा गया उसके ऑफिशियल राइटर हैं क्लियर है और इन्हीं के इन्हीं से नाराज हो गए थे इन्हीं के मुद्दे पे गांधी जी है ना जिसके कारण से किसी को रिजाइन देना पड़ा था जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करनी पड़ी थी क्या नाम था सुभाष चंद्र बोस कौन सा अधिवेशन में उनतालीस कौन सेशन <laughs> <कौन सा दिवेशन? laughs> है मैं तो हरे पूरा हुआ है त्रिपुरी अधिवेशन पता नहीं क्या है हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कल ही पढ़ाया था पेरिस चल नॉट द मेंबर ऑफ सार्क तो सार्क के मेंबर का याद करने का तरीका क्या बताया था एम बी बी एस पेन म्यांमार बांग्लादेश भूटान श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया नेपाल है ना तो कोई भी ऑप्शन में हो सकता है सबसे लास्ट में कौन है इनमें अफगानिस्तान साथ में तो ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ ढाका में शुरू हुआ था लेकिन हेड ऑफिस काठमांडू में ये आठों देश है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट दर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना ये आपको पढ़ाना है मुझे कल परसों में किसी भी दिन पढ़ा दूंगा थर्ट हाँ डेली रहता है थर्टी एट तो है टेंजिबल और थर्टीन है इनटेंजिबल तो अभी सी में इनटेंजिबल वाले सारे पूछे गए थे रामायण कब शामिल हुआ चैंट कब शामिल हुआ ऐसे ऐसे करके तो हम दोनों पढ़ा देंगे आपको तो ये है वो थर्टी एट साइड्स है ना ये याद हो जाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा अलग से डिटेल टेंशन मत लीजिए नेचुरल है ए सात मिक्सड है एक है ना तो उस तरीके से भी क्वेश्चन आते वो, अंदर से पूछे हम बताएंगे मेरे भाई पूछते ही हैं अंदर से ऐसे आता है? है इन कंप्यूटर टर्म पाइथन एज कंप्यूटर की भाषा में पाइथन क्या है चलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ चुका है पूछ चुका है आ, कि भारत का नेशनल ऐसे कुछ पूछा है जता का कथा जातक कथा जातक कथा है तो हमने बताया था बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं कि बुद्ध किस जन्म में बंदर थे किस जन्म में क्या थे तो पूरे जन्म की कहानियाँ उनके महावीर का नहीं मतलब वो नहीं है मतलब पूर्व जन्म की नहीं है मिडिल पाथ है ना बुद्ध का कि बहुत ज़्यादा ना तो मजे करिए और ना बहुत ज़्यादा टेंशन लीजिए मिडिल में रहिए गुरुकुल में आइए यदि ये? <laughs> ये, ये मिडिल है तो कठोर क्या होता होगा गवर्नर ऑफ तेलंगाना हैं सुंदरम तुम कौन सा पिल्ले पिल्ले कर रहे हो अच्छा हाँ <laughs> तमिल साई सुंदराजन लेडीज हैं अभी नहीं आई है क्या हाँ इसीलिए पूछ रहे तो तेलंगाना में साउथ ही रहेगा ना कहाँ साइथ का, का पूछ ली अरे ऐसा कहाँ जो नया है नया पॉइंट हुए इसलिए पूछ रहे जानना चाहिए एचपीटी टी what is the full form of HPTPT? Hmm. एक निकम्मा कमेंट करा अनेक आदमी मरता बाद दहरी ले ना गई हाइप एन कड़ी मरता बाद एन कड़ी मरता ट्रांसफर प्रोटोकॉल राजीव गांधी खेलत नवाड़ पांचों का नाम लिखवाया था हमने चलो पांच लोग हैं रोहित शर्मा क्रिकेट कल तुम पूछ भी रहे थे मैंने कहा पत्रा किससे हैं टेबल टेनिस मट्टी मरियपन चार लड़कियां कहाँ हैं विनेश फोगाट रेसलिंग रानी रामपाल हॉकी तुमको लड़का लड़की लग रही होगी ना अकेले में अपन में ऐसा ही होता है लाइन वाटर सी एस टू तो, तो लिख लो इतने हैं मेन मेन ड्राई आइस ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू सार्क लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड सी एस टू ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सी ए ओ सी एल टू हम्म कोई बात नहीं देखते हैं निकब में खुद गलत करो और उसको सपोर्ट करो लिख लो हैं <laughs> 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 प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट सी ए एस ओ फोर हाफ एस टू ओ जैसे भी देख रहा था मैं सी में पूछा है कि अल्फा में कितने हीलियम होते अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल में कितने हीलियम होते अरे निकम मैं तो ऑप्शन में ऐसे था वन एच वन ई ऐसे पूछा था मतलब था तो सही तुम्हारे हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट तो ये इसको नो ये भले इसको भी मत लिखो सारा लेकिन एक टॉपिक में लिख लो कि आपको पढ़ना है ये हर पेपर में एस एक पूछ ही रही है मतलब टी सी एस चाहे पेपर कोई सा भी हो मिल जाएगा लुसेंट में मिल जाएगा स्पेशल वाले मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा चल ये तो हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला का हो डिस्कवर्ड सेल वैसे ही आएंगे एक लाख एक करोड़ लोग फॉर्म भरे तो कई दिन चल है तो क्वेश्चन तो सब डालना पड़ेगा हर लाइन क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने ये मेन डिस्कवरी इससे रिलेटेड डीएनए देखो कल जैसे डीएनए का पूछा है ना डीएनए स्ट्रक्चर का पूछा तो लगभग मैचिंग मैचिंग वाला ही पूछ रहा है आसपास वाले तो ये आपने टॉपिक वैसे जी के में हमने डाला है पूरा डिटेल पूरा बायोलॉजी वाला अलग टेक्नोलॉजी वाला अलग मशीनरी वाला अलग है ना ए टू जेड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जेनेटिक कोड जेनेटिक ड्रिफ्ट सारा का सारा पेंसिलिन वैक्सीन कैंसर ये था सेल वाला सेल थियरी किसने दिया है क्रोमोजोम्स है ना न्यूक्लियस जीएसटी इज द डायरेक्ट टैक्स इन डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ बोथ नाइदर पक्का चल जीएसटी के बारे में चाहे तो 10-20 पॉइंट में बता दूं तो लिख लें यदि जीएसटी पूछ रहा है तो पूछेगा यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है तो आपको एक तरीका सिखा देता हूँ हाँ अरे टेंशन नहीं, नहीं, नहीं मतलब अभी जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा तो है तो। कैसे याद करेंगे हाँ <laughs> तो टोल तो टैक्स क्या होता है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है साथियों जितने टैक्स गुड्स एंड सर्विस पे लगते हैं वो ऑल टैक्स आर एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अब लिखना मत सुनना आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा जो भी हम कोई टैक्स की बात करें मैं कहूँ इंटरटेनमेंट टैक्स मनोरंजन कर तो इंटरटेनमेंट क्या होता है साथियों सर्विस तो क्या होगा इनडायरेक्ट टैक्स मैं बोलू एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क तो उत्पादन किसका होगा गुड्स का तो कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मैं बोलूँ ट्रांसपोर्टेशन टैक्स परिवहन कर तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है सर्विस मैं बोलूँ कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क तो कस्टम ड्यूटी क्या होगा जब कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश में आएगी जाएगी तब तो वस्तु है तो क्या होगा गुड्स होगा है ना मैं बोलूँ आपसे वैल्यू एडेड टैक्स तो वैल्यूट किसका होगा जिसका प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन किसका होगा गुड्स का कौन सा है इनडायरेक्ट टैक्स मैं बोलूँ आपसे टोल टैक्स तो टोल क्या है जब आप रोड यूज करते हैं तब तो क्या है ये सर्विस है मैं बोलूँ एडवर्टीजमेंट टैक्स विज्ञापन कर तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है सर्विस होता है तो कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मैं बोलूँ इनकम टैक्स अब साथियों क्या इनकम गुड्स है नहीं क्या इनकम सर्विस है नहीं तो जितने टैक्स बियॉन्ड गुड्स एंड सर्विसेज लगते हैं वो सारे के सारे क्या है डायरेक्ट जैसे मैं बोलू प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी गुड्स या सर्विस है ना ही गुड्स या ना ही सर्विस है मैं बोलूँ लैंड रेवेन्यू भूमि कर मैं बोलूँ वेल्थ टैक्स धन कर मैं बोलूँ कॉरपोरेट टैक्स कॉरपोरेट क्या कंपनी पर लगने वाला कंपनी क्या होती है गुड्स या सर्विस ना ही गुड्स ना ही सर्विस कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल पांच लोग मिलकर कंपनी चला लेते हैं कोई फिजिकल ऐसा है क्या हो नहीं है समझ पा रहे ऐसे आइडेंटिफाई करना एग्जाम में अब तो कर लेंगे पक्का पूछूं? गिफ्ट टैक्स का है गुड्स है सर्विस है डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है क्यों गिफ्ट हमेशा गुड सर्विस का होगा क्या कोई टैक्स दोनों तो हो ही नहीं सकता क्यों वह है तो है क्यों क्या हाँ है गिफ्ट पे होता है लेकिन वो प्रोडक्ट के रूप में होता है नहीं तो मिस्टर एक्स वाई को वाई जेड को जेड पी को क्यू को मम्मी पापा पापा भाई को भाई बहन को तो पी तो कई बार बढ़ जाए तो गिफ्ट टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं है हुआ ये कि ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल की सरकार ने उनसे टैक्स मांगा काम ने तो गिफ्ट दी अच्छा कोई बात नहीं गिफ्ट टैक्स दे दो तो, तो दैट इज़ गिफ्ट टैक्स अब नहीं लगता है लेकिन ये आएगा तो ये डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स में मर्ज कर दिया गया हम आपको इनकम टैक्स का भी पढ़ाएँगे तो बताएंगे इनकम के पांच मेन सोर्स हैं तो एक आता है अदर सोर्स अन्य स्रोत तो उसमें गिफ्ट भी आता है हाँ हाँ अभी भी होता है आपकी जब शादी होगी तो जो आपको दहेज मिलेगा वो एक्चुअल में गिफ्ट होगा डॉक्यूमेंट में तो ऐसा कहा गया ब्लड रिलेशन में दिए गए गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं होगा अदरवाइज उसके बाहर जाएंगे तो टैक्स होगा तो इसीलिए आपके नाम से नहीं आता है ना आपकी पत्नी के नाम से आता है यदि वो नाराज़ हो जाएगी तो वही गिफ्ट दहेज हो जाएगा फिर घूमते रहिए खैर आप तो कर लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही है तो जीएसटी नहीं और इनडायरेक्ट टैक्सेज आर कलेक्टिवली नोन एज जी एस टी सभी अप्रत्यक्ष करों को मिला के जीएसटी मिलाए हाँ तो लिख देंगे ऐसे क्या है बहुत विपक्ष है आज तक इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पाई हाँ पक्ष है देश आगे बढ़ गया जीडीपी बढ़ गई देश, तो देश तो पहले ही बढ़ा हुआ था चले लिखे इन एक जीएसटी जीएसटी इज द यूनिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी में सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया यूनिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस यूनिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्स सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया अब थोड़ा सा डिटेल देखो ये तो आप जानते होंगे कि जो पावर बढ़ता है कैसे बढ़ता है सेवन्थ शेड्यूल के हिसाब से बनता है है ना सेवन शेड्यूल में कुछ काम सेंटर को कुछ काम स्टेट को कुछ के दोनों को दिया गया तो जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो भी तीन कैटेगरी में है मतलब हम ऐसे पढ़ा दे रहे हैं कि जीएसटी का प्रॉब्लम लाइफ के लिए खत्म हो जाएगी एक सिंगल क्वेश्चन भी आएगा तो इसे बाहर नहीं जाएगा अब वो टैक्स जो यूनियन लिस्ट में है लेकिन सिर्फ हम कौन सा बता रहे हैं साथियों इनडायरेक्ट बता रहे हैं सारा नहीं बता रहे सिर्फ इनडायरेक्ट वे टैक्स जो स्टेट लिस्ट में है राज्य सूची में और वे टैक्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में है समोर्ती सूची में यूनियन लिस्ट का मतलब है संघ सूची जिस पर कानून कौन बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का मतलब है राज्य सूची जिस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट और कंक्रेंट का मतलब है दोनों मिलकर बनाएंगे दोनों के मान लीजिए अलग अलग कानून बनाए और एक दूसरे के विरोधी हो गए तो किसको वैल्यू किया जाएगा सेंटर वाले को चल तो इसमें साथियों चार मेन टैक्सेज हैं कौन कौन से तो एक है एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क सर्विस टैक्स सेवा कर कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क और दोस्तों सेंट्रल सेल्स टैक्स कोई टैक्स इसमें ना पता हो तो पूछ लेना कि सर ये कौन सा टैक्स है केंद्रीय बिक्री कर सेंट्रल सेल्स टैक्स केंद्रीय बिक्री कर स्टेट लिस्ट में सेल्स टैक्स बिक्री कर एडवर्टीजमेंट टैक्स विज्ञापन कर इंटरटेनमेंट टैक्स मनोरंजन कर इंटरटेनमेंट टैक्स मनोरंजन कर ट्रांसपोर्टेशन टैक्स परिवहन कर ऑक्ट्रोय चुंगीकर ऑक्ट्रोय चुंगीकर लग्जरी टैक्स विलासिता कर लग्जरी टैक्स विलासिता कर और यहां पे सिर्फ एक ही टैक्स है कोई डायरेक्ट टैक्स इस लिस्ट में नहीं है सिर्फ एक मात्र टैक्स है पूरे सेवन शेड्यूल में और वो है स्टैम्प ड्यूटी स्टैंप शुल्क जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर देते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंप शुल्क कोई टेक्स्ट जो आपको सुना हो आपने और नाम में ना आया हो तो वो बता देंगे एक आध कोई मिस हो गया हो तो कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में, में मेरे बच्चों हम समोर्ति सूची कहते हैं समवर्ती सूची हाँ लेता स्टेट है, है लोगों लगाता भारत सरकार का लेकिन ले दोनों सकते हैं अभी भारत सरकार ने स्टेट को दे दे कोई बात तुम रखो ये इसीलिए एकमात्र टैक्स जो कॉन्क्रेन लिस्ट में स्टैम्प ड्यूटी अक्टोरा क्या होता है लोकल मार्केट में जब जाते हैं सब्जी मंडी में है ना तो देखा करें वीकली कोई वसूल कर रहा होता है डेली कोई वसूल कर रहा होता है आजादपुर सब्जी मंडी में गाड़ी ले गए कोई छोटे मोटे मार्केट में जिसको एम टैक्स कहते हैं कहीं कहीं लोकल बॉडी टैक्स कहते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से लग्जरी टैक्स आप समझते हैं जो महंगी गाड़ियाँ ले लें बड़े हाई फाई होटलों में चले जाएँ एक लेवल से ज़्यादा का कपड़ा खरीदें तो उन सब पे लगता है जो भी मतलब एक ग्लोरियस प्रोडक्ट हो सकता है कोई टैक्स और जो आपने सुना हो ना आ रहा हो नहीं आया वो लिस्ट में लगभग जितने सुने सब आ गया ठीक अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है वो देखिए दोस्तों इन दोनों टैक्सेस को मिला के बन गया सेंट्रल जीएसटी क्लियर है इन चारों टैक्सेस को मिला के बन गया स्टेट जीएसटी जिसको आप सामान्य बोल में एस जीएसटी सुनते हैं और सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता था सेंट्रल सिल्स्टेक्स जब दो राज्यों के बीच व्यापार हो मान लीजिए ये इसके स्पेन बना है हरियाणा में और जा रहा है नागालैंड में तो हरियाणा सरकार उस नागालैंड वाले कंपनी पर जो टैक्स लाएगा उसको क्या कहते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर होता ये था कि सेंटर लगा देती थी जैसे मान लो यूपी वाला आया लेके गए तो हरियाणा ने कहा ठीक है जी चार परसेंट दे दो तो यूपी ने कहा ठीक है ले लो मेरे पास कुछ लेने आना हम तो आठ परसेंट लेंगे अच्छा आठ लोगे तो ऐसा करो पहले सोलह परसेंट दे दो देखा जाए जब तुम्हारे में से कुछ लेने आएंगे तो भारत में कई सारे भारत बन जाते तो सेंटर ने कहा वी विल डिसाइड हम डिसाइड करेंगे ले आप लेना तो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि सेंटर का कौन सा टैक्स है जो लगाती सेंटर है कलेक्ट स्टेट करता है और यूज पूरी तरीके से स्टेट करता है तो ये क्वेश्चन हम बोलते थे सेंट्रल से टैक्स कि सेंटर का कौन सा टैक्स जो पूरी तरीके से स्टेट यूज कर रहा था अब कहानी ख़त्म हो गई अब इसके जगह पे क्या कर दिया गया जगह पर लगा दिएगा आई इंटीग्रेटेड तो हमसे एग्जाम में क्या पूछ लेंगे जीएसटी कितने लेवल पर लग रहा है तीन लेवल पर सी आईजीएसटी आई एस जैसे आप जनरली जो देते हैं वो दो ही देते हैं तो तीन लेते हैं तो कहीं और से जो आया जाएगा जैसे मान लो इस पर अट्ठारह परसेंट है जीएसटी मान लो एक परसेंट तो नौ परसेंट सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी मतलब होता है देते तो आप एक ही हैं वो फिफ्टी का कॉन्सेप्ट आ गया अब यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो गए कौन कौन से टैक्स जीएसटी में शामिल नहीं है कस्टम अभी भी लग रहा है, ये है। वही जब एक देश से दूसरे देश में कोई आएगी चलेगी अब आप कस्टम इंस्पेक्टर बनोगे तो ये लुटोगे आप, आप देखोगे कि छः सौ गाड़ियाँ जा रही हैं विदेश या पाँच हज़ार गाड़ियाँ आ रही हैं आपको कोई ऐसे थोड़ी ना तो तुमको कुछ पाँच सात लाख दे देगा कहने अभी भी लग रहा है चाहे कम ही जा रही है गाड़ियाँ तो फिर दो चार दस लाख और दे देगा एक समय था मतलब सब डेली पकड़े जाते थे अब तो थो थोड़ा कंट्रोल हुआ है खूब डिमांड थी मतलब दो चार पाँच साल पहले मतलब मुश्किल से दस साल नौकरी करते थे ये अब उतने में अपना मॉल वॉल खड़ा करके आराम से एंजॉय कर रहे थे अभी भी है जो एयरपोर्ट पे ना नहीं तो वाइट ड्रेस में दिख रहे होते हैं वो ये वही है और ये नहीं है ये अलग से लग रहा है ये नहीं है अलग से लग रहा है ये नहीं है तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया कौन कौन से टैक्स हैं कौन कौन से नहीं हैं सी जी एस टी क्या है एस जी एस टी क्या है आई जी एस टी क्या है क्लियर है ना है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है सेस अलग चीज़ होता है सेस किसी भी चीज़ पर लग सेस एजुकेशन पर अभी इनकम टैक्स पे भी लग रहा है कॉर्पोरेट टैक्स पे भी लग रहा है पहले दो ही लगता था एक ही लगता था एजुकेशन सेस अब एजुकेशन और हेल्थ दोनों लगने लगा है लास्ट बजट से वो अलग है सेस इज द डिफरेंट थिंग सेस इज द टैक्स ऑन टैक्स फॉर एनी स्पेशल पर्पज किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया टैक्स इज द सेस बहुत सब पहले याद हो कि कृषक कल्याण सेस लगाया था फिर बीच में लगाया था क्लीन इंडिया सेस लगा दिया था हाँ गवर्नमेंट का ज्यादा इनकम आता है सबसे नंबर वन है कॉरपोरेट पूरे टैक्स का 21 परसेंट आ रहा है कॉर्पोरेट से दूसरे नंबर पे जीएसटी 19 परसेंट आ रहा है जीएसटी से हैं अरे निकमे ऑप्शन में जीएसटी होगा कॉर्पोरेट नहीं रहा होगा इनकम टैक्स 16 परसेंट ये टॉप थ्री हैं, बल्कि चौथा पांचवा भी लिख लो इनकम टैक्स अरे निकमे इनकम टैक्स दो तरीके का एक इंडिविजुअल पे लगेगा तो इनकम टैक्स कहलाएगा कंपनी पे लगेगा तो कॉरपोरेट टैक्स कहलाएगा चलो पेट्रोल नहीं है वो तो एक्साइज ड्यूटी है हाँ हाँ लिकर स्टेट का है हाँ हर जगह आती है मेरे भाई यूपी में आओ और हरियाणा में देखो तो हर गांव में हम तो दंग हो गए कि ये पता नहीं लग स्टेट सर आपके ठीक है हाँ लिख लो ये बुराई मत करो किसी स्टेट का हाँ तो वो बना करके गायब हो जाएंगे ना फिर पीने लायक और उनके फैमिली पीने लायक नहीं बचेगी कुछ हाँ तो ये तो हो गया कौन कौन से टैक्स नहीं शामिल है सबसे ज्यादा टैक्स किससे आता है तो पैसा बजट में खर्चा किस चीज़ पे होता है, तो है? तो लोन का इंटरेस्ट चुकाने में जो कर्जा लिया उसका ब्याज चुकाने में फिर डिफेंस पे नौ परसेंट फिर सब्सिडी पे आठ परसेंट हाँ हाँ तो क्या तू जी तब तो कोई बात नहीं है बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ जरूरी ये लिख ली कॉरपोरेट जीएसटी वाला अब एक पॉइंट लिखो जीएसटी इंप्लीमेंटेड एट थ्री लेवल जीएसटी को तीन स्तरों पर लगाया जा रहा है हा? सरकार का जो कर्जा ले रखी है उसका ब्याज देने पे इंटरेस्ट 19 परसेंट पूरे कांग्रेस थोड़ी नहीं लेती यार देश लेता है यार कांग्रेस फिर गलत करो पिछली सरकार को आ, सरकार लेती है और सरकार अपने लिए पार्टी के लिए थोड़ी ले रही है देश के लिए पार्टी के लिए तो लोग फंड देते हैं देश के लिए लोग देते लोन देते हैं तुम सोच नहीं रहे हो कि फीस नौ हज़ार दे दिया लेकिन पांच सौ तो फाइन नहीं दूंगा ये ह्यूमन टेंडेंसी है आज जाऊँगा अभी जीएसटी इंप्लीमेंटेड एट थ्री लेवल जीएसटी तीन स्तरों पर लगाया जाता है आएगा आएगा ज्योग्राफी की भी क्लास आएगी जल्दी आएगी इम्प्लीमेंटेड एट थ्री लेवल सुमित सर को भेजा है इम्प्लीमेंटेड एट थ्री लेवल तीन स्तरों पर लगाया जाता है पहला सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड आई फॉर इंटीग्रेटेड ये भी पूछ चुका आई का फुल फॉर्म क्या है इंटीग्रेटेड जीएसटी अरे सब बताऊंगा मेरे दोस्त टेंशन नहीं मत लो बड़े टेंशन ही मत लीजिए राजकुमार ये तो पहले ये सीखाना था जीएसटी है क्या तो हमने कहा जीएसटी इज द यूनिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेज जीएसटी सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके बनाया गया कर है कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है ये सीख गए इंडिया में सिर्फ एक मात्र प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी भी लगता है और एक्साइज भी लगता है वो कौन सा है टोबैको इसीलिए जीएसटी लगने के बाद सबसे ज्यादा कोई चीज महंगा हुआ तो टोबैको प्रोडक्ट सिगरेट सिगार का गुट का तो लिख लेंगे जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी Implemented ऑन टोबैको प्रोडक्ट जीएसटी और उत्पाद शुल्क टोबैको उत्पाद पर लगाए जाते हैं लगाए जाते हैं है ना कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगाए जाते हैं? तो लिखो जीएसटी नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन नॉट इंप्लीमेंटेड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम उत्पाद एल्कोहलिक प्रोडक्ट एल्कोहल उत्पाद गैस ये मतलब ये जो गैस नहीं एल पी तो ऐसा हालांकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आता है लेकिन आप चाहो तो लिख लो एल पी जी हाँ उस बच्चे को कॉल कर दीजिए कि आप मुझे सी पी वाले जो पेपर बनाए हो उसका हालांकि उसमें आप लोग ध्यान से देख रहे तीन छः के छः फाइल है वो मर्ज है वो जो मैंने पी डी एफ भेजा आपको उसको कॉल करने की जरूरत है नहीं हाँ हाँ चल रहा है काम अच्छा तो नहीं आपको पेपर वो नंबर बहुत आएगा बहुत आसान है सिलेक्शन पोस्ट का जी एस चलो अब साथियों तो ये तो हो गया कौन कौन सा नहीं है अब जीएसटी का लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था किसने ऐसा प्रपोजल दिया था तो ध्यान को ध्यान दो जीएसटी को प्रपोज करने वाला जो देश है वो है जर्मनी 19 18 नाइनटीन एटीन 1919 में लेकिन वो लागू नहीं कर पाया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उसकी स्थिति हो गई खराब तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है तो ये है फ्रांस तो लिख लो जीएसटी एस एटीन जीएसटी वाज फर्स्टली इंप्लीमें हाँ फर्स्टली इंप्लीमेंटेड बाय फ्रांस जीएसटी को सर्वप्रथम तो फ्रांस ने लागू किया था इन 1954 फिफ्टी फोर में 1954, 1954, 1954. चल. तो किसके कमाल हो गया हाँ हाँ, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि उस समय हमें फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे जब ये घटना घटित हुई थी तो <laughs> <laughs> क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है याद कर पाना कि उस समय कौन थे आज कौन है हाँ हाँ जी एस को जीएस रहने दो तो भाई स्पेसिफाइड मत करो हाँ कह तो रहा था कि एक दिन मैं जीएस का पेपर बनाऊंगा बच्चों के लिए <laughs> अगला जी एस टी 101 बाई वन जीरो वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जी को एक सौ एकवें संविधान संशोधन से शामिल किया गया 101 जीरो वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन टू नहीं नहीं सिक्सटीन लिखो बताऊंगा क्या गेम है उसका सिक्सटीन बट परंतु इंप्लीमेंटेड ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन परंतु एक जुलाई दो हज़ार सत्रह को लागू किया गया फर्स्ट जुलाई 2017। देखो होता क्या है जब कोई प्रपोजल आता है तो होता है बिल फिर जब वो पास हो जाता है तो बनता एक्ट और जब लागू हो जाता तो है तो कहलाता है लॉ तो बिल आया था 122वें नंबर में और ये आया था 2015 में पास हुआ था 16 में और लागू हुआ है सत्रह में तो जब तक पास नहीं हुआ होता तब तो तक बिल के रूप में याद करते हैं लागू नहीं हुआ होता तब तक, तक एक्ट के रूप में याद करते हैं और लागू होता है तो लॉ बन जाता है तो तीनों अलग अलग बातें ये किस आर्टिकल में है तो लिखो इट इज मेंशन इन आर्टिकल टू ए इसे दो ए में शामिल किया गया टू ए दो ए में शामिल किया गया टू ए जो इंडिया का जीएसटी मॉडल है ये वाला ये कैसा मॉडल है फेडरल मॉडल है नहीं फेडरल मतलब तो यही था हमने सिखाया था आपको पावर ऑफ डिवीजन तो फेडरल मॉडल इंडिया ने लिया कहाँ से था कनाडा से तो इंडिया का जीएसटी मॉडल कहाँ से होगा कनाडा से नहीं भी जानते तब भी लॉजिक लगा कर सकते हैं लिख लीजिए तो आएगा वही आएगा जो अपन लोग पढ़ाएंगे इंडियन जीएसटी मॉडल बेस्ड ऑन कनाडियन मॉडल भारत का जीएसटी का मॉडल कनाडा से पे आधारित है कनाडा से लिएगा आप तो बस दो तीन घंटे मुझे दे दिया करो लगातार अगले सौ एक सौ बीस दिन जी में बाहर नहीं जाने दूंगा आप तो है जाने दूंगा। आपकी औकात है कि नये अंदर एक बार स्टीज लिखेगी बुक तो आने दो जब टारगेट देने लगूंगा अरे ऐसे ही बोलते हैं आपको भी साढ़े ग्यारह होते ही आपकी आँखें आँखें लाल हो जाती हैं आप और, तो, तो, और पौने बा, पौने बारह हो जाएंगे हम तो कर हम कर देंगे छुट्टी में आज हमने सीपीओ का मैंने ही किया हाँ या हाँ आप छुट्टी छोड़ दीजिए मेरे लिए अगला तो ये तो होगा कि कनाडा से लिया गया कनाडा का लागू किया गया अब भारत में क्या है कि जब भी सेवन शेड्यूल में चेंज होगा तो दोनों हाउस से टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होगी और मोर देन फिफ्टी परसेंट स्टेट की सहमति चाहिए होगी तो यानी पंद्रह राज्य भी सपोर्ट करें कम से कम तो पहला राज्य जिसने इस बिल को सपोर्ट किया था लेकिन जी बिल वाज हम्म जीएसटी बिल वॉज फर्स्टली सपोर्टेड बाय असम जीएसटी बिल को सर्वप्रथम असम ने समर्थन दिया था असम राज्य ने समर्थन किया था अब देखो जीएसटी में कौन कौन सी रेट थे तो लिखें रेट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी की दरें, रेट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी की दरें कौन कौन सा है जीरो कोई रेट होता नहीं कमाओ हो। है ये आ, कितना कमा रहे हो एक मिनट कितना कमा रहे हो हाँ जीरो तो, कमा तो, रहा हूं। जीरो कमा रहा हूं। तो क्या कमा तो रहा हूँ जीरो कमा रहा हूँ तो क्या कमा तो रहा हूँ हाँ अब आगे बोलो हाँ हाँ तो उन्होंने देख लिया बुक में वही लिखता है कि जी एस टी की तरह ज़ीरो पाँच और अट्ठारह अट्ठाईस और हाँ पाँच बारह अट्ठारह अट्ठाईस तो जीरो मीन्स एग्जेमटेड कि वो प्रोडक्ट जिन पर जी नहीं लग रहा है मतलब एक तो है कि जो जी से बाहर और जो अभी जीरो पे है इसका मतलब है फ्यूचर में इसमें लगाएंगे जैसे खुला आटा लेके आओ तो उसमें नहीं है जी जीरो कह देते हैं हमसे पूछा तो चार ही करना मतलब मेरा अपना लॉजिक ये कहता है बुकों में ज़रूर ये लिखा हुआ जो तुम कह रहे हो कि जीरो पाँच बारह अठारह तो लिखें फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट एंड ट्वेंटी एट परसेंट है? अब यही पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सा यूज होता है तो मोर देन 85 परसेंट प्रोडक्ट पे 18 परसेंट लगता है यही कारण है कि जेसी लगने के बाद सारी चीज़ों का रेट बढ़ा क्योंकि एक्साइज था सिर्फ 12 परसेंट सर्विस टैक्स था सिर्फ 14 परसेंट तो इसलिए जी एस टी लगभग लग सारी चीज़ें महंगी हुई तो मैक्सिमम यूज स्लैब इज एटीन परसेंट सर्वाधिक उपयोग में हाँ कोचिंग की शिक्षा इसी में आती है स्कूल की शिक्षा टैक्स फ्री है क्यों वो तो और भी देंगे उसके बाद इनकम टैक्स देंगे उसके बाद कुछ खरीदेंगे तो फिर उस पर देंगे हाँ सेविंग करेंगे बैंक में जमा करेंगे उस पर आएगा उस पर भी देंगे पैदा हुए हैं पैदा हुए हैं तो टैक्स देंगे हैं कोई नहीं तो ये तो हो गए जीएसटी अब प्रश्न किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जीएसटी लागू करना चाहिए तो लिखें जीएसटी वाज सजेस्टेड बाय विजय केलकर कमेटी विजय केलकर कमेटी जीएसटी को विजय केलकर समिति ने लागू किया था सुझाव दिया था विजय केलकर कमेटी अब देखो साथियों जीएसटी लागू होगा इसके लिए एक काउंसिल बनाया गया जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल में कौन होता है तो जीएसटी काउंसिल में सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो लिखो जीएसटी काउंसिल जीएसटी परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ जीएसटी जी एस टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी जीएसटी के तरीकों पर कार्य करते हैं जीएसटी के तरीकों पर क्या रेट हो क्या डिविजन हो क्या स्ट्रक्चर हो सारा का सारा है इसके चेयरमैन कौन होते हैं तो लिखो चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण अभी स्टेट को हिस्सा गया नहीं है पिछले लगभग दस महीनों से फिफ्टी फिफ्टी है तो लॉस हुआ तो लॉस हुआ ही नहीं किसी को तो वैट था मेरे भाई बिहार लॉस में गया तो पुरानी बात है जो नौ की बात है ये लिखो फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी निर्मला सीतारमन है ना अगला मेंबर्स मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल जीएसटी परिषद के सभापति सॉरी सदस्य है ना फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट सभी राज्यों के वित्त मंत्री सभी राज्यों के वित्त मंत्री अब मान लो साथियों कोई जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाए तो उसके लिए क्या बनाया गया है ट्रिब्यूनल तो लिखें जीएसटी ट्रिब्यूनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट ऑफ जीएसटी डिस्प्यूट जीएसटी प्राधिकरण जीएसटी विवादों को सुलझाने का कार्य करती जी विवादों को सुलझाने का कार्य करती है इसका जो जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल योग्यता रखता होगा हाँ उसमें था बैट में भी तो बैट में लॉस हुआ तो दिया गया उनको इसमें कहाँ से निकम में क्वेश्चन है कौन से एग्जाम में आ गया तो अरे ऐसे ही देख लिया होगा किसी प्रैक्टिस सेट में हमारी जिंदगी बीत गई बारह साल इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मेरे भाई हाँ हमें कुछ और आए ना इकोनॉमिक्स ही आता है और रियल लाइफ में नहीं आता है आ, अगला है अब तो जी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए कहीं से भी आगत कर देंगे इसके बाहर है तो टेंसन नहीं लेना नहीं मज़ा आता था हिस्ट्री फिर जोग्राफ़ी फिर पाली <laughs> इतने ऑप्शन बता लिए कंफ्यूज़ हो गए यह है डायरेक्ट टैक्स यह है इनडायरेक्ट टैक्स कब क्यों कैसे सारा का सारा कमी नहीं थी हमें कोई गाइड करवा थे जैसे आप मान लो फेल हो जाओ तो आपको कोई एक व्यक्ति कहे कि नहीं यही करना है और उसको मानो हम लोगों का कोई था नहीं तो था? मतलब दो दिए दूसरे को पता तो दिए नहीं दूसरे में पीटी नहीं हुआ फिर छोड़ दिए फाउंडर ऑफ कांग्रेस अभी तक लगता था कि दे देंगे दे देंगे लेकिन फिर लाइफ ने मौका नहीं दिया जी कांग्रेस का फाउंडर कौन एओ हम ए हम ऑक्टिबियन हम ये फर्स्ट सेक्रेटरी हैं ये पूछे कि सचिव कौन है कांग्रेस के तो यही वेन डेट साची स्तूप देखो ये क्वेश्चन उठाने लगा सेम हर पेपर में रह रहा है कि कब शामिल किया है कब शामिल किया है कब शामिल किया है ये रटना पड़ेगा आपको 1989 मध्य प्रदेश तो ये आपको हम बताएंगे तो उससे समय रटना होगा मुश्किल है हालांकि उलटना हम तो ये कहते थे कि स्टेट पूछ लेगा कौन सा है ये पूछ लेगा कौन सा नहीं ये पूछ लेगा लेकिन इस साल इन्होंने ईयर पूछना शुरू किए ये अभी और भी आया था किसी पेपर में और भी रहा है ठीक पिनराई बिजेन बिजया ये क्या शो करता है पिनराई ये गांव जिला सब सो करता है अच्छा अच्छा ठीक करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान क्यों पूछ रहा है समझ रहे हो इनको अवार्ड मिला था अभी योशीधे सागा पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री देमोक्रेटिक है डेमोक्रेटिक है नागरिक वहाँ बहुत मजबूत है आइडियल आइडियलिस्टिक वहाँ का कल्चर इतना मजबूत है कि यदि फादर भी करप्शन करता है तो बेटे ने एक्सेप्ट किया कि उनको भी गोली मारूँ हाँ मतलब डेमोक्रेसी है और पूरी तरीके से बेहतरीन डेमोक्रेसी आइडियल एग्जाम्पल कर सकते लॉन्च विकल ऑफ चंद्रा टू फाइव निकम जी एस एल वी है आप चाहो तो लिख दो किसी दिन मैं पढ़ा दूंगा सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स सब पढ़ा दूंगा लॉन्च व्हीकल पी एस एल जी एस एल में क्या डिफरेंस होता है क्या होता है सब बता दूंगा एग्रीमेंट कर सकता हमने नेपाल का ले रखा है भूटान का ले रखा है हाँ हमारे मैत्रीवत संबंध है लेकिन उन्होंने तोड़ दिया दो हज़ार चौदह में मना कर दिया हम अपना करेंगे चाहे तो कर सकता है लेकिन ये गलत है ना अब सोच के देखो एक राजा जो बिना सैनिक का हो यह तो राजा को बहुत कॉन्फिडेंस है ये जैसे सहायक संधि थी क्या यही तो थी सब्सिडी रिलायंस कि तुम क्या करो सैनिक हटा दो और राजा ने कहा नहीं मैं तो अपना रखूंगा तो कहा था ठीक है मेरे सैनिक से लड़ा के देखो तुम्हारे सैनिक जीत गए तो ठीक नहीं तो मैं तुम्हारा राज भी ले, ले लूँगा ठीक अकबर की भी तो यही पॉलिसी थी इसीलिए कंपनी का अकबर कहते हैं बिलिजली को ईस्ट इंडिया कंपनी का लिख लो ये ये ए, क्या नाम है चंद्रयान वन और टू काफी इम्पोर्टेंट है हर बार कुछ ना कुछ पूछ ले रहे हैं। ये वो मुझे पढ़ाना होगा जियो संक्रमण सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री चलो ये तो कर दोगे पकड़ लोगे है ना स्किल डेवलपमेंट नहीं कल परसों बताया भी था वो जो चार हमने नए गोले बनाए थे कहा था कि गैप है उसको जोड़ लीजिए स्किल डेवलपमेंट बीच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल में एक्सेप्टर कह रहा है मेरे भाई ए बी टेम्पल टॉपिक हमने आपको पढ़ाना है और ये रटना ही हाँ ये सब लिख लिया करो जैसे मैं तो भूल जाऊँगा ना आप लिख रखोगे कि सर कल ये है कल ये है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा जैसे आज तक मैं लो चार महीने से सोच रहा हूँ नौरत्न महारत मिनी रत्न पढ़ाने के लिए पढ़ा ही नहीं पाया क्यों किसी ने कभी कहा नहीं है नेबरिंग कंट्री ने तो है पढ़ा दिया दो से तीन बार पढ़ा दिया आपको नहीं पढ़ा है पीर पंजान टनल अटल टनल जो ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक है ना उसमें पढ़ाया मैंने डिटेल इसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड फ्रेश फ्रेश वाटर पूछा है वैसे पूछा है तो नहीं नहीं लेक बैकाल करना तो वाला सर। देखे। है, देखे है सर। एक कॉन्टिनेंट में ये सबसे गहरा ठीक कह रो डीपेस्ट है ठीक है ठीक है ठीक है लार्जेस्ट क्या था फ्रेश वाटर लेक देखे। लेक देखे। एस पी एन सी विक्टोरिया ठीक है सुपीरियर आप लोग क्या बोल रहे थे ठीक सुपीरियर अर्थ डे थीम कल भी आया था क्या ये आ? कल डे पूछा था आज थीम पूछा है तो हमने तो कल थीम ही कराया था क्लाइमेट एक्शन ठीक गॉड फादर ऑफ आदर्श ग्राम योजना ये कई एग्जामों में आ चुका ये स्मार्ट विलेज वाले में जे पी नारायण प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय प्रधानमंत्री मोदी इन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जे पी नारायण ऑन 11 अक्टूबर 2014 चल बैकाल सबसे रही है यस yes. लिख दिए जयप्रकाश नारायण को टाइटल क्या दिया गया है ये भी पूछा अभी किसी एग्जाम में जेपी को लोक लोक नायक थो थो। लोक नायक वट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान चलो थो थो थो। कोई बात नहीं अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का कोई पहला विद्रोह है तो सन्यासी विद्रोह ही इसका जिक्र नील दर्पण में है सन्यासी थे टैक्स के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे जब उनप टैक्स लगाया गया फर्स्ट मॉडर्न नॉलिस्ट वेंकिम चंद्र चुर्जी वर्द सॉन्ग बंदे मातरम है ना इसी में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह यदि पूछा जाए कभी तो यही मॉन्क्स का अरे तो बताया ये सबको पता है शक्तिकांत दास ठीक ये इकोनॉमी से संबंध नहीं है इनका <laughs> कॉन्स्टिट्यूशन डे लगातार पूछ रहा है आज संविधान सभा में हम संविधान को आत्मार्पित अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं तो क्या डेट है वहाँ पे 26 नवंबर 1949 और इसी में आता है एक वोटर डे 25 जनवरी इंडियन फर्स्ट टाइगर रिजर्व 1936 है ना पहले इसे किसी और नाम से जानते थे हेलिन ये अपने कॉलेज वाला नाम हेलिन उमर मिर्जा वाज द फादर हम्म तैमूर लंग की तरफ से ये और इनके वाइफ चंगेज खान की तरफ से चलो विच कंट्री टॉप द हुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स एच डी पढ़ाया था कल परसों इंडेक्स वाला भारत का कौन सा पोजिशन वन थर्टी वन तीन पर कैपिटा इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में हेल्थ था नहीं गया और लिटरेसी तीन चीज़ें ले जाती हैं मैंने बताया था कि एक सफल व्यक्ति के लिए आप क्या चाहते हैं तो आपने कहा था कि शिक्षा चाहते हैं आपने कहा था हेल्थ चाहते हैं ढेर सारा पैसा चाहते हैं हमने कहा इन्हीं तीनों को दिखा करके जीवन की सफलता निर्धारित की जाती फिर भूटान ने कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता है हर व्यक्ति हाँ खुशी चाहिए हमें तो हमने कहा तुम कैसे मापोगे खुशी कहा हमें प्रकृति की हवा चाहिए हमें ऐसी नहीं चाहिए सबको पता है ऐसे पेपर आएंगे तो कर दोगे यार तो क्वालिफाइंग ही तो है संदेह तो मुझे भी है।, है कल वाले भी आ गए अच्छा स्वराज पार्टी ने पूछ रहा निकम में स्वराज यस यस तो वही है अच्छा पूर्ण स्वराज ऐसे पूछे तो 1907 में दादा में दादाबाई एनर्जी ने, ने कांग्रेस से डिमांड की ये लेकिन पूर्ण स्वराज वाला है खरीदोगे वर्क क्या है स्केलर है वेक्टर वर्क क्यों डायरेक्शन तो होता है वर्क में नहीं होता है अच्छा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का गेम है वही गेम है बाकी है दोनों में हाँ हाँ कोरोना कवच भारत सरकार भारत सरकार का है चेयरमैन ऑफ सेल स्कॉटिश सेक्टर जो जेम्स बॉर्ड नहीं बनते थे वो बिकम नोन एज द फर्स्ट एक्टर ऑफ फिक्शनल ब्रिटिश ग्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड बढ़िया क्वेश्चन है वट इज द टैग ऑफ द इंडियन इंडियन में केयरिंग योर आन बैंक टैग विद द एटमोस्ट प्राइड चलो कर लोगे कल मैंने बताया था कि ए और सी वाला है ना अब आपको मन तो कर नहीं रहा है क्योंकि पूरा होगा नहीं कल आप रहिएगा आप ही कर तो करा रहे हैं आज क्यों नहीं लेंगे हमारी छुट्टी थोड़ी नहीं होती हम तो इकतीस तारीख को भी क्लास लेंगे हमने दिवाली के दिन भी पढ़ाया हम बोर हो जाते हैं हम हम क्या कर लेते हैं पहले कोरोना वाला जो अधूरा रह गया था वो कर लेते हैं कल आया था कोरोना कवच लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया था ई ये विद्या यश एच डी एफ सी बैंक ऑपरेशन शील्ड ऑपरेशन सील्ड किसने दिल्ली सरकार लिखो ऑपरेशन शील्ड एस एच आई ई एल डी सील्ड दिल्ली सरकार इसमें क्या करते थे कि कोई एरिया कोरोना प्रभावित हो गया तो हम पूरी तरीके से उसको सील कर देते थे, थे बाद में सभी राज्यों ने उनका देखा देखी इसी पैटर्न को फॉलो किया था ऑपरेशन सील्ड सुकून कोविड नाइनटीन पहल सुकून सुकून कोविड नाइनटीन पहल ये जम्मू कश्मीर इसमें क्या करते थे ये टेलीविज़न पर लोगों को मतलब मेंटल जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से गाइड करते थे कि आपने टेंशन नहीं पालना है बीमारी है कुछ लोगों को ले जाएगी हाँ नहीं आप तो बहुत अच्छा हो गया उनका सोच के देखिए आप घर से निकलने आप वापस आएंगे नहीं आएंगे हर कोई आतंकवादी बन के घूम रहे है। अगला है जीवन शक्ति योजना जीवन शक्ति योजना तो जीवन शक्ति योजना।, तो योजना कौन सा साथियों मध्य प्रदेश एम इसमें क्या किया उन्होंने में बाद में नहीं होता कभी जीवन शक्ति योजना इसमें महिलाओं को कहा गया कि आप मास्क बनाइए और आजीविका अर्न कीजिए तो एक प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में मास्क के थ्रू इनकम अर्न करने का इतना डिटेल में नहीं जाएगा लेकिन ये पूछ लेगा किस स्टेट का है चलो अगला है कौन सा यूरोपियन कंट्री है जो सबसे पहले कोविड फ्री हुआ यूरोपियन पूछ रहा हूँ तो लिख लो फर्स्ट कोविड फ्री यूरोपियन कंट्री स्लोवेनिया स्लोवेनिया Hmm. अभी कहाँ हो पाएगा भूटान जापान जैसे देशों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं हो पाया hmm. कोरोना कवच यही था ना कोरोना कवच इज इंश्योरेंस पॉलिसी भारत सरकार का है कौन सा राज्य है जो मुफ्त में इंश्योरेंस प्रोग्राम दे रहा है कोरोना अफेक्टेड लोगों के लिए तो ले लें महाराष्ट्र प्रोवाइडेड फ्री कोरोना इंश्योरेंस स्कीम कोरोना से बीमा प्रदान करना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली सबने नाम अलग अलग रखा इनका घर घर है, हम्म, युक्ति पोर्टल वाई यू के टी आई युक्ति क्या मरे हैं तो पाँच सौ मैं कराऊँगा डेढ़ सौ एच हाँ। आई हाँ। डी मिनिस्ट्री के ज़रा मेरे पास हाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री हो मेरे पास वीडियो होता ना जैसे टॉपर कैसे पढ़ते हैं तो तुमको दिखाते हैं यहाँ चला के दिन रात पढ़ते हैं दिन रात नहीं देखते पढ़ते ही रहते हैं आरोग्य पथ आरोग्य पथ ये क्या आरोग्य पथ जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूटर है प्रोड्यूसर है बायर है तो सारे एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे थे कोरोना के टाइम पर तो हमने उनको एक डिजिटल चेन पकड़ा दिया कि आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को जिसको बेचना है या जिसको खरीदना है खरीद सकते हैं तो लिख लेंगे आरोग्य पथ इज़ हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल प्रवासी रोजगार ऐप प्रवासी रोजगार ऐप इनो है होगा जाओ स्पन्सर से पूछो पक्का होगा कह मांग रहे हैं प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा शुरू किया गया बाई सोनू सूद असम राज्य क्या है कि यदि पत्रकार की भी मृत्यु हो गई बाकी राज्य तो हेल्थ वर्कर और उनके लिए दे रहे थे इन्होंने भारत सरकार ने जैसे पोस्ट ऑफिस वालों को लिए दिया दस लाख का तो इन्होंने पत्रकारों के लिए भी क्या कहते पत्रकारों के मुझे तो पचास लाख का इंश्योरेंस देंगे तो लिख लेंगे असम प्रोवाइडेड इंश्योरेंस ऑफ फिफ्टी लाख रुपीज टू द पत्रकार को क्या कह लेंगे जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट होगी खत्म कहाँ हो गई करोन लूटी है अब लेकिन कोई डिपेंड करता है कि कितना क्या मिल रहा है जैसे हम लोग का भी इंश्योरेंस कर रखा है निकाड में उन्होंने <laughs> फाइव टी प्लान वाइज लॉन्च बाई दिल्ली फाइव टी प्लान फाइव टी में क्या था टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट टीम वर्क और ट्रेसिंग फाइव टी टी फॉर तेलंगाना क्वेश्चन आता है कि स्टे होम इंडिया विथ बुक्स ये क्या है तो अभी तक एन की बुकें क्या थी फिजिकली आती थी नेशनल बुक ट्रस्ट की इन्होंने सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करा दिया एन सबसे अच्छी बुक है यू पी की आप तैयारी करते हैं तो लगभग वहीं बहुत सारी बुक आपको वहाँ से मिलती है आम आदमी के लिए बहुत सारी बुक मिलती है राइटर को लगभग पैसा नहीं मिलता ले सबसे सस्ती बुक प्रोवाइड करने का श्रेय तो लिख लोगे स्टे होम इंडिया विथ बुक्स इज अ वेबसाइट फॉर नेशनल ब्रुक ट्रस्ट एन विद द हेल्प ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री कौन सा पार्क है जिसमें जानवरों को क्वारेंटाइन किया गया ताकि उनको कोरोना अफेक्ट ना हो तो भारत का जो सबसे पुराना पार्क है जिम कॉर्बेट तो लिख लेंगे जिम कॉर्बेट एस्टैब्लिश्ड क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स चल टीम इलेवन किसने बनाया था लेकिन टीम इलेवन वाज डिजाइन बाय यूपी कल मैं पढ़ा था किसी ने कहा कि जैसे तंबाकू पर हम इग्नोर करते हैं निर्देश को उसी तरह के चुनाव में हम इग्नोर कर रहे हैं एजुकेशन को और एम्प्लॉयमेंट को इसलिए भारत पीछे जा रहा है और जब तक इसको हम इग्नोर करते रहेंगे तब तक ऐसे ही आगे नहीं बढ़ेंगे निकम में नलायक लोग जिनका दूर दूर से कोई राजनीति संबंध नहीं होगा लूटने के लिए आएंगे हमें आपको वो डिसाइड करेंगे कि 130 करोड़ के आबादी में वैकेंसी कितनी निकलेगी सी जी की नहीं कोई बात नहीं हम लड़ेंगे तैयारी करेंगे हाँ है <laughs> बढ़ता है हर साल पिछले साल तो ग्यारह सौ था बढ़ के ग्यारह हज़ार हो गया बढ़ जाता और फिर भी तो कम है कम से कम एक आध लाख तो एक लाख तो हो जाना चाहिए मैंने तो कहा था कि है छः हजार पाँच सौ पैंसठ सौ आठ उसमें एस सी अलग ओ अलग ई अलग कुछ पिछले साल सेलेक्ट हुए वो अलग कुछ लोग अपना रैंक सुधारेंगे वो अलग कुछ लोग के रिश्तेदार के पास लाए हुए अलग हाँ बिल्कुल फ़ायदा पिछली बार तो एस सी से कम गया था दिल्ली में था था? ना 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 आप तो ई डब्ल्यू तो है ही उसके बाद तो जनरल रही अब नहीं होगा आप सबने बनवा लिया है दिल्ली में जब कोई वैकेंसी थी तो एस सी से बहुत लोग गई थी अब तो सबने बनवा लिया शायद ही कोई जिसके पास ना है? दिण दिण तो। हो डब्ल्यूश वही हो सकता है ज़्यादा चली जाए ऐसा भी हो सकता है अगला है क्या हुआ रिज़र्वेशन दिया ना गुर, मेस वाले बता रहे कि सर हम परेशान हो गए चाय पत्ती के लिए कोई आता है चीनी के लिए आता है मैं हटाओ फिर चीनी जहां हटा दो क्या कर रहे हैं कोई बात नहीं उनको छुट्टी नहीं होता तो मेंटल लेवल प्रेशर में रहता है इलेवन यूपी सरकार है ना किल कोरोना किल कोरोना एमपी नमस्ते ओवर हैंडशेक नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक ब्रेक द चेन कार्टून ब्रेक द चेन कार्टून केरला ब्रेक द कोरोना चेन बाय इफको इफको एक संस्था उनके द्वारा बिहेवियर चेंज मिशन बिहेवियर चेंज मिशन व्यवहार परिवर्तन अभियान नीति आयोग और बिलगेट्स फाउंडेशन ये इम्पोर्टेंट है नीति आयोग एंड बिलगेट्स फाउंडेशन के द्वारा नीति आयोग एंड बिलगेट्स फाउंडेशन चल अगला इसमें क्या किया है इसका क्या करते हैं लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए हाथ की सफाई रखिए मास्क यूज करिए सैनिटाइजर यूज करिए मतलब जो हम पहले नहीं करते थे वो चीज़ करने के लिए कर रहे हैं सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान सेफ दादा दादी एंड नाना नानी है कि नहीं कम में एम का होता तो लिखवाते मैं भाई नीति आयोग इन्होंने कहा है कि अपने घर परिवार के सीनियर सिटीजन पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए उन्नीस लाख लोग लगभग मर गए कोरोना रिपोर्ट में तो कोरोना ही दिखा रहे हैं तो अभी डब्ल्यू एच ओ ने कहा यार आ, कि बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी डरा तो तुम ही रहे थे यार नहीं। नहीं।, नहीं नहीं उन्होंने तो बहुत कुछ बोला था हर दिन प्लान वही बदलते थे हर दिन कन्फ्यूज ही करते थे ये तो बहुत खतरनाक महामारी है तो आगे जाएगी दूरी रखिए आना जाना बंद करिए यदि टाइम पे साथ कर लिया तो शायद ड्रामा भी नहीं होता खैर कोरोना कवच को क्या है कोरोना कवच को था वो अच्छा एक मिनट एक मिनट कवच कोरोना कोरोना कवच अलग लगेगा चलो ठीक ये कोरोना कवच ट्रैकिंग एप भी है वायरस ट्रैकिंग एप हाँ दोनों लिख लो वहाँ पे ट्रैकिंग एप बाय हेल्थ मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री चलिए अच्छा देखो वहाँ भी कोरोना कवच है और यहाँ भी कोरोना कवच है अच्छा जी आरोग्य स्थिति भी ट्रैकिंग ऐप है भारत सरकार का था कल हमने बताया इसके बारे में डिटेल आरोग्य सेतु इज राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा किसी मिनिस्ट्री का नहीं है और मान लो जिनके पास मोबाइल नहीं है तो उनके लिए क्या किया तमिलनाडु सरकार ने आरोग्य सेतु आई वी आर एस वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम उनके लिए कहा गया यदि आपके पास वायरस नहीं आपके पास ऐसा ऐप नहीं है तो आपको यदि कोरोना हो जाता है तो आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल मार दें ताकि हम आपको प्रोटेक्ट कर पाएँ पहला जो वर्ल्ड में वैक्सीन बना है वो कौन सा है स्पुतनिक फाइव रसिया के द्वारा और इंडिया में बता रहे हैं मंडे से लगने जा रहे हैं दिल्ली में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पे पहले ही लगेगा अब यार कंपनी एक ही बना रही है ना हमारे वहाँ तो हाँ ये बोला एक मास्क अनेक जिंदगी वन मास्क मेनी लाइफ एम पी रोकोटोको एम पी से अच्छा रोकोटोको एम पी किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क डे सेलिब्रेट किया है ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है मास्क डे बाय कर्नाटका 18 जून 2020 कर्नाटक ने हाँ मास्क वाज फर्स्टली कंपलसरी या मास्क प्रोविजन फॉर कंपलसरी मास्क वाज स्टार्टेड बाय राजस्थान है ना मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य राजस्थान प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ प्लास्टिक लाओ रद्दी प्लास्टिक और मास्क ले जाओ देहरादून नगर निगम कौन से राज्य ने कहा कि मास्क की कीमत हम डिसाइड करेंगे मास्क प्राइस डिसाइडेड बाय महाराष्ट्र नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय बांग्लादेश नो मास्क नो सर्विस खादी मास्क कौन सा राज्य है नहीं यूपी खादी मास्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एन डब्ल्यू एच ओ इस्टिश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एन डब्ल्यू एच ओ इस्टैब्लिश्ड कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म कोरोना से निपटने के लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म भारत की पहली वैक्सीन का नाम क्या है कोवा वैक्सीन कोवैक्सीन आईसीएमआर और भारत बायोटेक के द्वारा यह आ, आ सकता है पेपर में कोवैक्सीन आईसीएमआर और भारत बायोटेक बायोटेक इंडियन एयरफोर्स ने अर्पित मिशन लॉन्च किया था अर्पित मिशन आज लॉन्च बाय इंडियन एयरफोर्स ए आर पी आई टी अर्पित क्या है ये यदि कोई कोविड अफेक्टेड हो जाएगा तो उनके परिवार को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए अर्पित का फुल फॉर्म लिखो एयरबोर्न एयरबोर्न रेस्क्यू रेस्क्यू पैड पी ए डी पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन for isolated transportation बाल मजदूर के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान ड्यूरिंग कोरोना अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर ना ऑपरेशन मुस्कान वाज स्टार्टेड बाय आंध्र प्रदेश फाइव स्टार कोविड नाइन्टीन रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इट का फाइव स्टार कोविड 19 एयरपोर्ट फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इटली रोम अब भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसको ये रीड करना है कि कोविड की वजह से ह्यूमन राइट पे क्या फ़र्क पड़ा है तो लिख लो कमेटी फॉर इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट इफेक्ट ऑन ह्यूमन राइट ड्यू टू कोविड कोविड के कारण मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों के लिए बनाई गई कमेटी के एस रेड्डी अच्छा कोरोना का को वच में इंश्योरेंस की मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना है मिनिमम है पचास हजार और मैक्सिमम है पांच लाख नहीं पता तो लिख लेंगे मिनिमम अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड और मैक्सिमम फाइव लाख कौन से राज्य ने कोरोना टाइम में ई कोर्ट शुरू किया लेंगे फर्स्ट ई कोर्ट ड्यूरिंग कोरोना छत्तीसगढ़ यस देखो ऐप आज भी रह गए कल इसको पूरा करा देंगे तो हमारा लगभग बैकलॉग खत्म हो जाएगा और फिर हम तुरंत काम करेंगे स्कीम्स पे कार्यक्रमों पे कौन सा हाँ ऐसे ही आता है इसरो मुझे वर्ड हेरिटेज साइड तो तैयार है इस रोल में थोड़ा मुझे कंटेंट पे काम करना हो तो छुट्टी की बात करा दूंगा हाँ 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 तेरे से पहले वो भी तैयार है वो तो जब बोलोगे तो चले आप लोग अभी के लिए जाए चलें फिर मिलते हैं अभी ग्यारह बजे तब तो तक के लिए गुड नाइट थैंक यू बाय